हाइलाकान्दी जिले के लालाबाजार क्षेत्र में रहने वाले जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर लक्ष्मी निवास कालवार द्वारा बागान चाय श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड 19 के रोकथाम में हुए विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर सांगठनिक तौर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दिन संस्थान की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच साबुन व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। गौरतलब है कि ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों को जहां जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोविड 19 के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें जागरूक भी करवाया जा रहा है। मैं लक्ष्मी निवास कलवार, वरिष्ठ अध्यापक, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को, खासकर चाय बागान के लोगों को कोविड 19 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चाय बागान के लोगों को, लोगों की ज़्यादातर घरों में टीवी, मोबाइल या जानकारी का अन्य साधन नहीं है और ये लोग भी काम में व्यस्त रहते हैं। देखिए, लॉकडाउन के सेकेंड फेज में चाय बागानों में काम शुरू हो गया है। सरकार ने 50% लोगों को, यानी आधे लोगों को काम में जाने को कहा है। बड़े बुजुर्ग को काम में जाने न दें। जो काम में जा रहे हैं वो मुंह पर मास्क लगा कर जाएं और सामाजिक दूरी, जैसे बुखार, श्वासकष्ट, खांसी, सर्दी होने से डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी ऐसे कारगर कदम उठा रहे हैं, हम जल्दी ही इस संकट से निजात पाएंगे। धन्यवाद।